Hey, what's up everyone? This is Shashank and welcome back to my channel जिसका नाम है SM Vlogs and I know ये channel जो है वो travel video से related है and ये मतलब studio भी नहीं है मतलब like ये बस मैं एक कमरे के अपने कोने में बैठ करके video बना रहा हूँ क्योंकि देखो भैया अभी travel बंद है lockdown के चक्कर में ज़्यादा दिन मैं कैमरे से दूर नहीं रह सकता तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको अपने व्यूज तो मैं बता ही सकता हूँ ना रूम में बैठे बैठे। तो आज मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसकी शुरुआत होती है 3 दिन पहले, मतलब आज 1 जून है तो उसकी स्टार्ट हुई थी 29th of May से। मेरे एक दोस्त ने एक मुझे मैसेज किया था कि इंडिया के अंदर कोई एक स्कैम हुआ है पीपीई किट। जिन लोगों को पीपीई किट नहीं पता उन लोगों को बता दो, पीपीई किट वो है जो मतलब जो प्रॉपर किट जो गियर्स पहनते हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो भी डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं फील्ड में, ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये होते हैं पीपी किट। ये मतलब डॉक्टर ने पीपी किट पहने तो इसमें ना कुछ घोटाला हुआ, कुछ स्कैम हुआ ऐसा दोस्त ने बताया था। आई वाज लाइक कि यार नहीं हो सकता ऐसा इंडिया में। ये वीडियो बनाने से पहले मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि ऐसा कोई स्कैम है या नहीं है, तो मेरे सामने मेरा लैपटॉप रखा हुआ, मैं अभी एक बार मैं पढ़ लेता हूँ कि एग्जैक्टली क्या सीन है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि सीन क्या है। 2000 years later और ये साला ऐसे टाइम पर यार लाइट कट गई अभी, मतलब 5 बजे आई डोंट नो आज क्यों लाइट कट गई, वैसे लाइट कटती नहीं बट कोई बात नहीं, मेरे दोनों फोन की मेरी फ्लैश लाइट जिंदाबाद। फाइनली यार लाइट आ गई, लेकिन पता है लाइट क्यों गई थी भाई साहब? नीचे जो वाटर कूलर है मतलब हॉस्टल के जो नीचे वाटर कूलर, भाई साहब वाटर कूलर पूरा जल गया था, धुआं धुआं हो गया। आई नो मतलब वीडियो में नहीं दिख रहा होगा बट रूम में भी थोड़ा थोड़ा धुआं भर गया पूरा, एकदम मतलब अजीब सी स्मेल आ रही है। तो उसको साइड में रखते हैं, लाइट वापस आ गई है वो अच्छी बात है एंड हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये स्कैम हुआ था यार हिमाचल प्रदेश के अंदर, आई डोंट नो हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सी पार्टी गवर्नमेंट है, पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू indianexpress.com ये स्कैम पता नहीं कब से चला था बट इसका खुलासा जो है वो मिड अप्रैल में हुआ था। सोर्स था इसका कि एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग थी जिसमें जो चिकित्सा निदेशक थे हिमाचल प्रदेश के वो 5 लाख रुपए की ब्राइब मांग रहे थे, वो फोन कॉल रिकॉर्डिंग के हिसाब से जो टेप था उसके अंदर कि 5 लाख रुपए की ब्राइब मांग रहे हैं, जो 5 से 6 कंसाइनमेंट थे किसी के पीपीई किट के एंड उसकी वर्थ थी 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ के 5-6 कंसाइनमेंट अगर इकट्ठे किए तो 1 करोड़ उसकी वर्थ बनती थी एंड उसके एवज में वो 5 लाख रुपए ब्राइब मांग रहे थे। ये कॉल रिकॉर्डिंग बाहर आने के बाद में चिकित्सा निदेशक को जो है अरेस्ट कर लिया गया एंड वो भी जेल में है। मैं कोई जज नहीं कर रहा बट अगर इस बंदे ने अगर ब्राइब ली और ये सारी कांड हुए हैं, ये स्कैम अगर चल रहा था, अगर ये सही बात है भाई साहब लानत है तुम्हारे ऊपर, मतलब दुनिया मर रही है एक तरफ, दूसरी तरफ आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। और इस स्कैम से ना देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी है, बीजेपी के कोई हिमाचल प्रदेश के आई थिंक प्रदेश अध्यक्ष थे या फिर आई डोंट नो कौन थे, उनको इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि उनका नाम भी इसमें आ रहा है कि वो भी इसके अंदर शामिल थे बट उनका कहना है कि मैं नहीं शामिल था। पॉलिटिशियंस का यार ऐसा झूठ सच आधा मतलब 75% झूठ 25% सच वो उनका चलता रहता है, उस पर मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा। बट अगर चिकित्सा निदेशक के बारे में अगर देखा जाए तो यार तुम तो यार पढ़े लिखे हो ना, पॉलिटिशियंस तो चलो कुछ भी होते हैं, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तुम्हारी तो जिम्मेदारी है ना कि भैया देश सही से चले, लोगों के पास में सही सलामत सही सारी चीज़ें पहुँचें। मतलब एक तरफ देश इतने बड़े पैंडेमिक से गुजर रहा है, देश इतने बड़े खतरे से गुजर रहा है, इतने बड़े रिसेशन से गुजर रहा है और दूसरी तरफ तुम्हें अपनी जेबें भरने की पड़ी हुई है कि नहीं मुझे तो भाई साहब पैसे चाहिए। आई डोंट नो मुझे ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए बट जो पीएम केयर सीएम केयर हर जगह जो हमने जो फंड भेजे हैं, जो हमने मतलब सारी जनता ने चाहे कोई सेल है वो चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो सब ने फंड भेजे हैं, मेरा केवल ये क्वेश्चन है कि भाई साहब वो फंड का क्या हुआ अभी तक, आपने कुछ किया? Wait a minute. जो हमारी लेबर है वो रोडों पर पैदल चल रही है, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो पैदल चल रही है हजारों किलोमीटर की ताकि वो घर पहुंच जाए। आप गवर्नमेंट में रहते हो कुछ नहीं कर सकते। और एक तरफ है सोनू सूद, वो इंसान जिसके पास में कोई रिसोर्स नहीं केवल पैसा है और मतलब थोड़ा फेमस है तो ठीक है थोड़ी बहुत जान पहचान है बस, गवर्नमेंट नहीं है वो। उस इंसान ने पहले होटल दिया अपना एज ए बिजनेस, उसने अपना टर्म किया कि ठीक है पैसे दे रखे बट चलो होटल भी दे देते हैं, जो लोग डॉक्टर्स जो हमारे हैं उनको रहने के लिए व्यवस्था बन जाए ठीक है वो दिया। उसके बाद में उस बंदे ने जब देखा कि लोगों को घर नहीं भेजा जा रहा है, लोग सड़क से पैदल पैदल जा रहे हैं हजारों किलोमीटर 2000 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, लाइक मुंबई से कहीं बिहार जाना है झारखंड जाना है कोलकाता जाना है, जो लोग पैदल जा रहे हैं उस बंदे ने अपने दम पर अपने पैसे को उस पर किराए पे गाड़ियां की बसेस ली इवन फ्लाइट्स भी करवाई हैं, लोगों को घर तक पहुंचाया है जबकि वो गवर्नमेंट में नहीं है। उसने हर एक गवर्नमेंट के पास जा जा करके उसने परमिशन मांगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे करवाओ एंड फूड वाटर हर चीज़ दी है। आप तो गवर्नमेंट में हो ना, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप हो तो आपकी स्टेट के साथ में आपका कोलेबरेशन है, आप स्टेट से आप बातचीत करके आप चलवा सकते हो ना, जो फंड जो लोगों ने दिया है उसका आप कोई भी आंकड़ा नहीं जारी कर रहे हो। और उसके बाद में एक और कांड हुआ था, दैट इज़ कि रेलवे ने मतलब जब माइग्रेंट्स को भेजा मुंबई से आई थिंक चली थी ट्रेन, वो जानी थी बिहार के लिए रांची या कहीं जानी थी। देखो अगर मैप के हिसाब से देखें तो मुंबई यहाँ पर, बिहार यहाँ पर, उड़ीसा इधर है और उस टाइम पर साइक्लोन चल रहा था। मुंबई की ट्रेन पहुँच के उड़ीसा जाती है
उसके बाद में बिहार पहुंचते नहीं पहुंचते कोई आइडिया नहीं, लोग वक्त सड़कों पर मर रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, मतलब लाइक ट्रेन के अंदर जो वॉशरूम का जो पानी आता है वो पीने को मजबूर है क्योंकि लोगों के पास पानी पीने के लिए नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। और जो रेलवे की तरफ से जो स्टेटमेंट आता है कि वो ना वो ट्रेन मतलब ट्रैक भूल गई थी, भैया ऐसे जाते हैं मान लो ठीक है, अगर अगर ऐसे जाना है मुंबई से तुम्हें अगर बिहार तो ठीक है, लेट्स सपोज ऐसे होगी थोड़ी सी या फिर ऐसे होगी थोड़ी, क्यों बहुत बड़ा जाल ट्रैक का ठीक है, तो ट्रेन इधर कैसे चली गई मुझे ये नहीं समझ में आया, इधर चली गई। और एक बात बताओ अगर इस टाइम पर तो कोई भी ट्रैफिक भी नहीं है ना रेलवे पे तो अभी कैसे चली गई, अभी मतलब तुम ध्यान से काम नहीं कर रहे हो क्या कर रहे हो। उसके अलावा और भी बहुत सारे कांड हैं, जैसे कि आई डोंट नो क्या नाम है, कांग्रेस की कोई पॉलिटिशियन थी, उन्होंने 1000 उन्होंने बसेस का जुगाड़ किया कि ठीक है दिल्ली से माइग्रेंट्स को निकालेंगे, अपने पैसे से कोई किराया नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों से किराया भी ले रही है रेलवे का कि ठीक है पहले किराया भरो उसके बाद में जाने देंगे, और जबकि सोनू सूद ना पैसे ले रहा ना कुछ ले रहा। प्रियंका गांधी ने जब बसेस दी तो यूपी गवर्नमेंट ने बॉर्डर्स पर खड़ी करवा दी कि नहीं हम इन बसेस को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कांग्रेस ने दी है। कांग्रेस ने तो ये भी बोल दिया था ना कि भैया आप अपनी इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करवा लो, आप अपना नाम लिखवा लो, लेकिन प्लीज़ माइग्रेंट्स को आप घर भेज दो। आपने क्यों नहीं किया? हाँ मतलब इस टाइम पे भी तुम्हें पॉलिटिक्स और अपनी जेब भरने की पड़ी हुई है, शर्म कर लो यार। आई नो ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें यार बोलने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास में, बट वही चीज़ है ना यार कि अगर ज़्यादा बोलूँगा तो फिर क्या होगा, मुँह बंद करवा दिया जाएगा। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुँह खोलने की। और पता मेन चीज़ ये है कि यार मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो इसको कवर भी नहीं कर रही है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि क्या चल, क्योंकि सीधी सी बात है अगर मेरी जेब में अगर कोई मुझे अगर वीडियो बनाने के लिए अगर कोई स्पॉन्सर करेगा कि ये ले शशांक इतने पैसे दे रहा हूँ, मैं बोलूँगा वो डाल वीडियो, भैया पैसे हर किसी को अच्छे लगते हैं मैं तो डालूँगा, तो वही मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है कि पार्टीज पैसे पहुँचाती हैं, ये न्यूज़ चलाओ बस, ये चीज़ें दिखाओ कि ये बोला गया ये हुआ वो हुआ, भैया ये तो नहीं होता ना। मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है कि जो रियलिटी है उसको वो बाहर निकाले। अब मेन स्ट्रीम मीडिया की एक बात बताता हूँ तुम्हें, मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे काम करे उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो एक न्यूज़ चैनल है आज तक, उन्होंने ना एक ट्वीट किया है 31 मई 2020 को दोपहर के 12 बजे के आसपास में, क्योंकि मेरे पास में स्क्रीनशॉट कल का है तो मुझे टाइमिंग नहीं दिख रहा है इसमें। दैट ट्वीट वॉज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने आम की चटनी के साथ बनाया समोसा और जताई पीएम मोदी को खिलाने की इच्छा, बहरहाल आपको समोसा किसके साथ ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, हैशटैग योर स्पेस हैशटैग एटी पोल, मीठी चटनी और खट्टी चटनी। मतलब लाइक सीरियसली आज तक वालों शर्म कर लो तुम, जो जो जरूरी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप कुछ नहीं हो। अब वो भी ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ट्वीट है, ये पिंड है यहाँ पर ना, ये पिन किया गया है ट्वीट, शर्म नहीं आती तुमको खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हुए? अबे पापी लोगों तुमसे तो अच्छा हम लोग हैं यूट्यूबर्स जो कम से कम अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर तो निकालते हैं, बताते तो हैं, जनता में फैलाते तो हैं। महा मतलब सबसे टट्टी ट्वीट अभी तक का मैंने ये देखा है, अगर तुम अगर तुम्हारे अगर ये ट्वीट है तुम अगर ये कर रहे हो ना मेन स्ट्रीम मीडिया में, शर्म कर लो। बाकी का आज के लिए बस इतना ही, ये मेरे ओपिनियन है, लेट मी नो आप लोगों के क्या ओपिनियन, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो योर ओपिनियंस। एंड या देखते हैं कि देश की जनता कितना ज़्यादा अवेयर है, कितना ज़्यादा है मतलब अपने को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया गवर्नमेंट और सारी चीज़ों को लेकर के अवेयर है। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पीस आउट। Find somebody who loves you, somebody who needs you, somebody who trusts you, takes care of your needs.